इट इज ऑल इन द माइंड, ये मन के ही ख्याली पुलाव होते हैं, उसी में ही सारी इमेजिन चल रही होती है. ओ ये सुंदर, ये दिस दैट हैंडसम, ये सिक्स पैक, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, अलेक्जेंडर चीज, कुछ नहीं, सब खसी हैं, सारे लड़के खसी, सारी लड़कियां खसी, सब खसी हैं जगत के अंदर, सब के सब भिखमंगे हैं. इस दुनिया प्यार मोहब्बत क्या है, दो भिखारी एक दूसरे को लूटपाट करें करोड़पति बनना चाहते हैं. अरे दो भिखमंगे एक दूसरे को लूटपाट करें, कौन अमीर बनने वाला है भाई? दो भिखारी मिलकर के भिखारी कॉरपोरेशन ही खोल सकते हैं, वो भिखमंगी रहेंगे वो दोनों के दोनों, फिर भी वही रहते हैं, दैट्स इट. फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं, शायद वहां कुछ मिल जाए. अरे जिससे कर रहे हैं वो भी भिखमंगे ही हैं. जगत में सब के सब प्रेम के मामले में देखा जाए तो भिखारी ही हैं, भिक्षुक ही हैं. सो लस्ट का नेचर ही है दैट इट इज इम्पर्सनल एंड इज ऑल इन द माइंड. ये सब का सब मन में होता है, दैट्स इट. जैसे बकरी होती है ना, प्रभुपाद जी बकरी का एग्जांपल दिया करते थे. कसाई खाने में बकरा और बकरी एक दूसरे को देख रहे होते हैं, हे तुम्हारी दाढ़ी बहुत अच्छी है, ओ रियली, और बकरा बकरी देख रहा है, नाइस, तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी हैं, खुश भी हो रहे एक दूसरे देख करके. वो फाइनली कसाई आया बकरे को लेकर, आ चल हे बकरा बकरा, आई लव यू, आई लव यू टू, आई लव यू थ्री, ओ नो. थोड़े समय बाद एक और बकरा आता है, दाढ़ी तो उसकी भी अच्छी है. संसार यही है, काल चक्र में सब कटपिट रहे हैं, राइट. ये सूर्य का उदय होना, सूर्य का अस्त होना, ये समय बीता जा रहा है, दिस टाइम कट्स एवरी वन. हालांकि लोग बोलते हैं क्या कर रहे हो, समय काट रहे हैं. समय कोई नहीं, कोई नहीं काट सकता, समय हमें काटता है. तो समय कट रहा है, कई लोग कट रहे हैं, जा रहे हैं, ओह नो, आई विल मिस यू वेरी मच फॉर वन और टू मिनट्स ओनली, उसके बाद तू नहीं, कोई और सही, कोई और नहीं, कोई और नहीं. फिर बकरी मरी तो बकरी चली गई, तो फिर नई बकरी आ गई, तो बकरे ने शुरू से बड़ा शोक मनाया, गया अरे मेरी बकरी, बकरी बाघ बकरी चाहे, नो मेरी बकरी, वो चली गई, फिर नई बकरी आ गई, वेल माय नेम बकरा. आए दूसरा से सब चला रहता है, सब जगत के अंदर सब मिलना जुलना है. इसको देखा, इससे आकर्षित हुआ, उससे देखा, दूसरे आकर्षित हुआ, उसने इसको देखा, इससे आकर्षित हुई, उसने उसको देखा, सब जन ये प्यार मोहब्बत चल रही है संसार के अंदर. एब्सोल्युटली पोगो चैनल है ये प्यार मोहब्बत का, कार्टून नेटवर्क है ये, कुछ प्यार व्यार कुछ नहीं. तो इसलिए चैतन्य चरितामृत के अंदर आता है दैट किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए, द वन हु इज एस्पायरिंग फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, जो आत्म साक्षात्कार के लिए इच्छा रखता है ऐसा व्यक्ति, अगर कोई भी व्यक्ति, उसके लिए सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? उसके लिए सबसे बड़ा दुश्मन है सीइंग द ऑपोजिट जेंडर इन एंजॉयिंग स्पिरिट. यानी कि अगर पुरुष स्त्री को देखता है भोग की भावना से, वो भोग की भावना सबसे बड़ा शत्रु है. वो स्त्री शत्रु नहीं है. कभी कभी ऐसा मान लिया था यार, सब जगह मतलब स्त्री को डिमोनाइज किया जाता है, स्त्री ने ही डिस्ट्रैक्ट किया है, स्त्रियां ये, स्त्रियां वो, मतलब स्त्रियां, यहां हम भी इंसान है. स्त्री को कभी कभी ऐसा फील होता है कि दैट वुमन इज डिमोनाइज इन द स्क्रिप्चर्स, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है. तो चैतन्य चैतन्य मेंशंस दैट सीइंग अ वुमन इन enjoying spirit, that enjoying spirit is the enemy, not woman. भाई स्त्री भी क्या है, भगवान की सृष्टि है, पुरुष है भगवान की सृष्टि है, तो दोनों ही एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं और वहीं पर संसार में व्यक्ति फंसता है. तो प्रभुपाद जी बोला करते थे, अगर एक मक्खन को रखा जाए फ्रिज के अंदर 10,000 साल के लिए और उस मक्खन को निकाले फ्रिज से बाहर, अब वो आग के आगे जाकर पिघलेगा नहीं? पिघलेगा. भले ही हम 10,000 साल तक उसको फ्रीजर में रखें, डीप फ्रीजर में रखें, आग के पास जाके पिघलेगा पिघलेगा. तो स्त्री के लिए पुरुष जो है वो अग्नि है और वो मक्खन पिघलेगी पिघलेगी, और पुरुष के लिए स्त्री जो है वो अग्नि है, ये मक्खन है, पिघलेगा ही पिघलेगा. तो दोनों इस प्रकार से एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं. पर जब कभी ये बात आती है ना कि स्त्री, स्त्री बनी, स्त्री का रूप लिया, हमेशा स्त्री स्त्री क्यों जी? बेसिकली इसलिए हाईलाइट किया जाता है कि नहीं, बताने के लिए कि पुरुष भाव और यह है प्रकृति, और पुरुष भाव स्त्री में भी होता है, पुरुष भाव पुरुषों में भी होता है. यानी कि भोग वृत्ति, ये जो भोग वृत्ति है ये शत्रु है, स्त्री शत्रु नहीं है, पुरुष शत्रु नहीं है, भोग की भावना. अब ऐसे कोई संत महात्मा भी होते हैं जिनको स्त्री पुरुष को वाला कोई आकर्षण होता नहीं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए स्त्री पुरुष दोनों में समान होता है, वो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन ये जो एंजॉयिंग स्पिरिट है ये मारती है. प्रेम सना कुछ दूजा, प्रेम
स्वयं ईश्वर का रूप है, प्रेम ही सच्ची पूजा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।